चैनल सो so, इस वीडियो में जस्ट आपको कॉन्ट की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगी बल्कि इवन ये भी बताऊंगी की मैंने एज ए किड जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता था कैसे इस सेक्शन को टैकल किया तो थोड़ी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ मैं नॉन इंजीनियर थी यानी कि बी कॉम ऑनर से थी तो जब कैट की तैयारी शुरू करनी थी एक डर था मन में कि इंजीनियर्स की, की मैथ बहुत अच्छी होती है तो मैं उनके साथ कैसे कंपीट करूंगी इस एग्जाम में ये बहुत अनफेयर नहीं है बट आई थी, थी और आई वेंट टू आई अहमदाबाद उसके बाद so अगर आप मैथ से डरते हो या फिर कि आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो टेंशन मत लो मुझे चार साल हो गए चैनल पर कॉन्टेंट बनाते हुए so students, जिनका पहले मैथ वीक था एंड देन उसके

कॉन्ट का सेक्शन है ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी इसमें सारे के सारे सेक्शंस का सिलेबस मेंशनड है अगर आप कॉन्ट के अंदर देखो तो पांच ही मेजर टॉपिक्स होते हैं अरिथमेटिक एल्जेब्रा नंबर सिस्टम ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ उनके नीचे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपने स्कूल में किए होंगे लेकिन कम से कम अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के डेफिनेटली तो याद होंगे कि ये हमने किए हैं इसीलिए जब कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है अपनी प्रेपरेशन को तो उसको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अरिथमेटिक के साथ स्टार्ट करो बिकॉज वो उसके साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं एक चीज बताती हूँ जब मैं अपनी तैयारी शुरू की थी ना तो मैंने एक बुक यूज की जिसमें पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम था और वो इतना वास्ट चैप्टर है

उट कर लो अब इसका मतलब क्या होता है जैसे मैं एक बुक यूज कर रही थी प्लस मेरा टाइम का खुद का कोचिंग मटेरियल था तो मैंने मैंने सबसे पहला काम ही यही किया कि मैंने एक डेडलाइन सेट की मान लो जुलाई एंड और मैंने नोट किया कि हर चैप्टर के अंदर कितने हैं एक टारगेट आप बना लो कि आप एक दिन के अंदर कितने क्वेश्चन कर सकते हो जैसे जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करने शुरू किए थे आई रियलाइज के अंदर थर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन आराम से कर लेती हूँ फिर उसके बाद आप हर चैप्टर के क्वेश्चन नोट करके रख लो कि अच्छा इस चैप्टर के अंदर सौ क्वेश्चन है दो सौ है, उससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि वो चैप्टर आप कितने दिन में कवर कर लोगे एंड एक आप टाइम टेबल बना सकते हो कि मुझे पहले इस चैप्टर चैप्टर को खत्म करना है इसमें इसमें दिन देने देने हैं हैं फिर उसके बाद ये नेक्स्ट होगा डेज ऐसे करके आप करके आप कंप्लीट अपना जुलाई एंड तक का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हो इसको हम बोलते हैं कि आपने अपना सिलेबस मैप आउट कर लिया जब आपके दिमाग में होगा ना कि यार इतने सारे चैप्टर्स हैं तब आपको टेंशन होगी बट अगर आपके सामने होगा कि आपने हर वीक में या हर मंथ में कौन से चैप्टर्स करने हैं तब आपको उतना डिफिकल्ट

के अंदर एग्जाम्पल्स भी कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ में नोट्स भी ले रहे हो उतनी सारी बुक्स को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे सो so, उसे एक रफ नोटबुक मानो फिर आप जब घर आ जाते हो जैसे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो या फिर कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में हो तो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप एक और नोटबुक लगाओ जिसमें आप सिर्फ अपनी रफ नोटबुक में से इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे फॉर्मूलाज हो सकते हैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जिसकी एक टाइप है कि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है या ट्रिक्स हैं ये सारी चीजें ट्रिक्स के साथ साथ आप एक शॉर्टकट भी लिख सकते हो या फिर के कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो उस ट्रिक को ईजिली समझने का मैं आपको अपनी फॉर्मूला बुक का रेफरेंस दिखाती हूँ कि कैसे मैंने उसको बनाया था इसमें क्या होता है कि आप हर चैप्टर के फॉर्मूलाज को साथ साथ में नोट करते जाते हो एंड देन थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ते हो हर चैप्टर के बाद ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसकी ट्रिक आपको पहले नहीं पता थी तो आप उसको यहां पे नोट कर पाओ वैसे पता है गाइज आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि अब ये जो फार्मूला बुक है ये आपको एक डिजिटाइज्ड वर्जन में भी मिल जाएगी क्योंकि मैंने अपनी खुद की एक बुक लिखी है इन पार्टनरशिप विद ओसवाल बुक्स जिसमें ये सारे के सारे फार्मूलाज ट्रिक्स एंड एवरीथिंग इज कम्पाइल्ड जो कि बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट बट आप अपनी खुद की भी एक फार्मूला बुक मेंटेन कर सकते हो और हमें करना क्या होता है कि उस फार्मूला बुक को हमने हर वीकेंड को रिवाइज करना होता है या जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो so आप अगर वीकेंड को अपनी फार्मूला बुक पिक करोगे ना तो आप पूरी फॉर्मूला बुक

पहली चीज ये मिथ है ऐसा सच नहीं है कभी भी आप अगर कैट का एग्जाम का पेपर उठाओगे उसके अंदर हर चैप्टर के तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं लेकिन स्किप करना होता है आपको सिर्फ इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने होते हैं और सिर्फ इन क्वेश्चन को करके भी आप नाइन नाइन लेके आ सकते हो दैट इज हाउ डिजाइन याद रखो कैट इज मैनेजमेंट इंटरेस्ट

अगर मैं कॉन्ट की बात करूं उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पिछले 25 फाइव ईयर्स में आए हैं हर साल में जो जो क्वेश्चन आया है वो इसमें ईयर वाइज मैंशन होता है तो आप क्या कर सकते हो आपने सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड किए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फिर उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की उनको करने के बाद आप एक बार इस बुक के अंदर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन चेक करना जो पुराने ईयर्स में आए हैं इससे क्या होगा आप देख पाओगे कि कौन से क्वेश्चन ईजी लेवल के थे कौन से मीडियम थे और कौन से डिफिकल्ट थे तो अगर आपको करना होता तो आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते और कौन से को स्किप करते इस बुक का लिंक मैं पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी कर कर दूंगी आप आराम से जाके इसे कर सकते हो एक चीज और याद रखना कैट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं फॉर्मुला बेस्ड नहीं होते इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप चेक करोगे इस बुक के अंदर से उसमें से जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको मिल रही है जो एप्लीकेशन उन्होंने एक्चुअली में यूज की है उसको आप अपनी फॉर्मुला बुक के उन ब्लैंक पेजेस में

सी की स्ट्रैटेजी भी जाननी हो तो जस्ट मुझे एक बार कमेंट्स में डीएलआर या वीआरसी दोनों में से कुछ भी लिख के बता सकते हो सो दैट आई कैन देन मेक दैट वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट